क्या आप जानते हैं लेजर के द्वारा आंखों का ऑपरेशन करते कैसे हैं? क्या आप जानते हैं आंखों का ऑपरेशन कब और किन परिस्थितियों में किया जाता है? और क्या लेजर के द्वारा आंखों का ऑपरेशन बेहद खतरनाक होता है? और एक जरूरी सवाल कि 20 साल से कम के लोगों के आंखों का ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता? दोस्तों, आंख हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जिसके द्वारा हम बाहरी दुनिया को देख और समझ पाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी आंखों में किसी समस्या की वजह से हमें बाहरी दुनिया को देखने में थोड़ी बहुत समस्या आने लगती है। कभी कभी हमें दूर की चीजें साफ दिखना बंद हो जाती हैं, तो कभी कभी हमें पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में हमें अपनी आंखों के ऊपर चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है, और इसी चश्मे से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको आंखों के ऑपरेशन के बारे में एक एक डिटेल बताने वाले हैं कि ये कब और कैसे होता है, आंखों का ऑपरेशन कितना खतरनाक होता है, आंखों का ऑपरेशन कराने में कितना खर्चा आता है। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आंखों का ऑपरेशन करवाने में कितना वक्त लगता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आंखें आखिरकार काम कैसे करती हैं। दोस्तों, हमारी आंखों को काम करने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है, और जहां भी अंधेरा होता है वहां पर हमारी आंखें काम करना बंद कर देती हैं। जब किसी चीज को रोशनी में रखा जाता है तो रोशनी उस चीज से टकराकर हमारी आंखों के भीतर प्रवेश करती है। किसी चीज से टकराने के बाद जैसे ही रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है तो सबसे पहले वो रोशनी हमारे कॉर्निया पर पड़ती है। आपको बता दें, कॉर्निया आंखों के सबसे बाहरी पारदर्शी परत को कहते हैं। ये परत एक शीशे की तरह काम करती है, जिसके द्वारा रोशनी हमारी आंखों के भीतर जाती है। कॉर्निया से आगे बढ़ने के बाद रोशनी हमारी आंखों के लेंस से टकराती है, और वही लेंस रोशनी को इस तरीके से एडजस्ट करती है कि आने वाली सारी की सारी रोशनी हमारी आंखों के सबसे पिछले पोजीशन पर जाकर टकराती है और उस चीज का बिल्कुल क्लियर इमेज हमारे दिमाग तक पहुंचा देती है। किसी चीज से टकराकर आने वाली रोशनी हमारी आंखों के जिस सबसे पिछले भाग पर टकराती है उसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं। उसी फोकल पॉइंट पर पड़ने वाली रोशनी की वजह से हमारे दिमाग तक ये संदेश जाता है कि बाहर कौन सी चीज रखी हुई है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कितना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर रखी हुई चीज हमें धुंधली दिखाई देने लगती है, और बाहर की चीजों को साफ देखने के लिए हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस चीज से टकराकर आने वाली रोशनी हमारे कॉर्निया तक पहुंचती है, और हमारी आंखों के खराब लेंस से होते हुए वो रोशनी फोकल पॉइंट से पहले ही इमेज को बना देती है, या फिर फोकल पॉइंट के बहुत बार जाकर इमेज को तैयार करती है। यही वजह है कि हमारा फोकल पॉइंट उस चीज को ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता है और वो चीज हमें धुंधली दिखाई देने लगती है, जिसके बाद डॉक्टर हमारी आंखों पर चश्मा लगाते हैं और चश्मे पर अलग अलग तरीके के लेंस का इस्तेमाल करके आने वाली रोशनी को ठीक तरह से हमारे फोकल पॉइंट तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारे दिमाग को बिल्कुल साफ सुथरी इमेज दिखाई दे। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी आंखों को कभी कभी धुंधला क्यों दिखाई देता है। अब हम आपको आगे जिन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर आंखों का ऑपरेशन कब और किन परिस्थितियों में और कैसे किया जाता है। दोस्तों, 1940 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम जोस बैरक्वेयर था। जोस के पिताजी की आंखें खराब हो गई थी, और अपनी आंखों को ठीक करने के लिए उनके पिताजी चश्मे का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जोस अपने पिताजी को जब भी चश्मे के साथ देखते थे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ये वजह है कि उसने कुछ ऐसा इन्वेंशन करने की सोची कि आंखों के मरीज को चश्मा लगाने की जरूरत ही ना पड़े और उसे बिल्कुल ठीक दिखाई दे। वो जिस किसी को भी चश्मा पहने देखता उसे बहुत गुस्सा आता था, जिसके बाद उसने इस विषय पर खोज करनी शुरू कर दी और आखिर क्या किया जाए कि लोगों को चश्मे की जरूरत ही ना पड़े। लगभग 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को खोज निकाला जिसका इस्तेमाल आज भी पूरी दुनिया में किया जाता है। एक लंबे शोध के बाद उस वैज्ञानिक ने आंखों के ऑपरेशन का एक ऐसा तरीका ईजाद किया जिसे लेजर के द्वारा किया जाना था, और इस ऑपरेशन के बाद मरीज को चश्मे की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि उस वक्त इस तरीके का ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक था। स्पेन में रहने वाले उस आई स्पेशलिस्ट ने एक मरीज की आंखों के कॉर्निया के ऊपर जो सबसे पतली परत होती है सबसे पहले उसे निकाला, और उस पतले से परत को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो कर रख दिया, जिसके बाद मिनिएचर लेथ मशीन के जरिए कुछ जमे हुए ठोस कॉर्निया के शेप में जरूरत अनुसार परिवर्तन कर दिया। शेप बदलने के बाद लाइट सीधे जाकर आंखों के फोकल पॉइंट पर मिलने लगी। अब वो मरीज किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियर तरीके से देख सकता था। अंत में उस आई स्पेशलिस्ट ने कॉर्निया की पतली परत को आंखों पर वापस से चिपका दिया,
आपको जानकर हैरानी होगी, दशकों पहले इजाद किया गया यही तरीका आज भी पूरी दुनिया में आंखों को ठीक करने के लिए किया जाता है। बस उस वक्त उस आई स्पेशलिस्ट ने जिस काम को अपने हाथों से किया था, अब उसी काम को करने के लिए लेजर का सहारा लिया जाता है, लेजर ऑपरेशन। दोस्तों, आज के वक्त में जो आंखों का लेजर से ऑपरेशन किया जाता है, उसमें सबसे पहले मरीज की आंखों में खास तरह का आई ड्रॉप डाला जाता है, जिससे उसकी आंख कुछ वक्त के लिए पैराडाइज हो जाती है, यानी कि अब उसकी आंख को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। मरीज की आंखों का पलक एक दूसरे से ना मिले, इसके लिए लीड स्पेकुलम नाम के एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आंखों की कॉर्निया भी इधर उधर ना घूमे, इसके लिए रिंग जैसे एक डिवाइस को कॉर्निया के ऊपर लगा दिया जाता है। अब मरीज की आंख बिल्कुल स्थिर हो जाती है, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती। ऑपरेशन से ठीक पहले डॉक्टर एक बारीक ब्लेड की मदद से कॉर्निया की महीन परत को काट कर आंख से अलग कर लेते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसा करने के लिए लेजर का भी इस्तेमाल करते हैं। वो सबसे पहले आंखों के ऊपर 16 छोटे छोटे छेद करते हैं और उसके बाद कॉर्निया के उस पतले से परत को हटा देते हैं, जिसके बाद कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाले लेजर को आंखों पर डाला जाता है और मरीज के आंखों पर जो लेंस होता है उसे कंप्यूटर जरूरत के अनुसार लेजर के द्वारा एडजस्ट करके ठीक कर देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट से टकरा कर आने वाली रोशनी अभी तक जो मरीज के फोकल पॉइंट से आगे या फिर बहुत पहले इमेज तैयार कर दे रही थी, वो बिल्कुल फोकल पॉइंट पर इमेज को तैयार करेगी। लेंस को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद डॉक्टर कॉर्निया की उस पतली सी परत को वापस आंखों पर सेट कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आज के वक्त में ऐसा करने में महज 12 से 15 मिनट का वक्त लगता है, यानी जिस आंखों के ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं उसे पूरा होने में औसत 15 मिनट का वक्त लगता है और लगभग 1 या 2 घंटे बाद मरीज को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। और तो और, कुछ ही घंटों बाद मरीज बाहरी दुनिया के हर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर देख पाता है। अब इससे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल ये है कि लेजर के द्वारा आंखों का जो ऑपरेशन होता है उसमें खर्चा कितना आता है। खर्च और खतरा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये भी जानने की जरूरत है कि आंखों का लेजर के द्वारा ऑपरेशन आंखों के मरीज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन इस दौरान अगर डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। जिन लोगों की आंखों की रोशनी जरूरत से अधिक कम होती है, उन्हें ऑपरेशन के बाद भी चश्मे की जरूरत पड़ती है। गर्भवती महिलाओं के लिए इस तरीके का ऑपरेशन बिल्कुल भी सही नहीं होता। और तो और, ये भी कहा जाता है कि आंखों का लेजर ऑपरेशन करवाने से पहले कम से कम 2 डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। आपको बता दें, अगर किसी मरीज की उम्र 20 या फिर 21 साल से कम है तो डॉक्टर ऐसे लोगों को ऑपरेशन करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जिस दौरान आंखों की स्थिति लगातार बदलती रहती है। ऐसे में इस बात की संभावना रहती है कि बिना ऑपरेशन के भी आपकी आंखें ठीक हो सकती है। इस बारे में बहुत से लोग ये भी अफवाह उड़ाते हैं कि लेजर सर्जरी के बाद लोगों की आंखें खराब हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आंखों का लेजर ऑपरेशन आंखों को खराब करने के लिए नहीं बल्कि आंखों को ठीक करने के लिए होता है। लेकिन आपको ऐसा कराने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह की आवश्यकता जरूर है। वही बात, अगर इस ऑपरेशन में आने वाले खर्चे ही करें तो आपको बता दें, आंखों के लेजर ऑपरेशन में बहुत ही कम खर्चा आता है। भारत में इस तरीके का ऑपरेशन महज 25 से 40 हजार रुपए के बीच में पूरा हो जाता है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है, ये तो आप भी जानते हैं। भारत के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों के साथ किस तरह की लूटपाट की जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी इस वीडियो में देखने के दौरान आपकी आंखों में किसी तरह की समस्या लगती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, और अगर आप भी चश्मे से निजात पाना चाहते हैं तो अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके लेजर ऑपरेशन की सहायता ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आंखों से जुड़ी और भी समस्या के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि दर्द एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।